दोस्तों, आप अक्सर ये बात सुनते आ रहे हैं कि आज एक सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। उस समय में आपके खुरापात दिमाग में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता कैसे और अंतरिक्ष में जाने के बाद उस रॉकेट का क्या होता है, क्या वह वापस पृथ्वी पर आ गिरता है और यह रॉकेट ऊपर की तरफ सीधा ही क्यों जाता, रॉकेट के अंदर ऐसा क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इन सवालों का बड़ा ही सटीक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रहस्य मीडिया को डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी तुरंत डाउनलोड करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये रॉकेट होता क्या है। रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता है। इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो उस इंजन का इस्तेमाल करता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली मिसाइल, अंतरिक्ष यान या किसी विमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उठाने के लिए रॉकेट का इंजन जरूरी होता है। जेट इंजन की तुलना में रॉकेट का इंजन थोड़ा डिफरेंट होता है। जेट का इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपने काम को करता है, जबकि रॉकेट इंजन इसके विपरीत अपने साथ हर वह चीज लेकर चलता है जिन चीजों की उसे आवश्यकता होती है। रॉकेट इंजन स्पेस में भी अपना कार्य करता है जहां पर हवा नहीं होती है। दोस्तों, रॉकेट के इंजन दो तरह के होते हैं। कुछ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस शटल ऑर्बिटर के मुख्य इंजन तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। अन्य रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। स्पेस शटल के किनारे में दो सफेद ठोस रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, वे भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, तो आखिर रॉकेट का इंजन काम कैसे करता है। बेसिकली रॉकेट इंजन भी अदर इंजनों की तरह काम करता है। वह ईंधन को जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट का मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो धक्का, यानी वह यान को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। ज्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देते हैं। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता है जिसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में यह सवाल उठता है कि फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन काका के गति के थर्ड रूल के आधार पर वर्क करता है। यह नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है, इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। क्या आपने देखा है कि अगर आप हवा को एक गुब्बारे से बाहर जाने दें तो क्या होता है? हवा एक तरफ आती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में चलता है। रॉकेट उसी तरह से काम करते हैं। तेज गति से इंजन की नोक से निकलने वाली निकास गैसें रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाती है। दोस्तों, अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? अधिकांश जेट विमान 15 किलोमीटर या फिर 50,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ते हैं, जहां उनको उनके इंजनों में ईंधन जलाने और उन्हें उड़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन यह अंतरिक्ष की शुरुआत के आसपास कहीं नहीं है। अंतरिक्ष को आमतौर पर पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मनमाना बिंदु जिसे कभी कभी कर्मन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड को हासिल करने के लिए रॉकेट बहुत ही तेजी से ईंधन जलाते हैं। एक अंतरिक्ष रॉकेट के अलग अलग भाग होते हैं, इंजन, ईंधन टैंक और कोई बाहरी रॉकेट बूस्टर। एक रॉकेट का सबसे बड़ा और यकीनन सबसे दिलचस्प हिस्सा रॉकेट का इंजन होता है। इंजन जो उसे आकाश में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, रॉकेट जेट विमानों और पृथ्वी पर काम करने वाले अन्य ईंधन से चलने वाले वाहन से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होती है। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेटों में एक तरल ईंधन
जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित मुख्य इंजन होते हैं, जिन्हें विशाल टैंकों से पंप किया जाता है। ईंधन जिसे प्रोपेलेंट भी कहा जाता है और ऑक्सीजन जिसे ऑक्सीडाइजर कहा जाता है को कम तापमान और उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे एक निश्चित आकार के टैंक में ले जाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रॉकेट ईंधन की समान मात्रा पर आगे बढ़ता है। बाहरी रॉकेट बूस्टर जो मुख्य रॉकेट इंजन की सहायता करते हैं आमतौर पर इसके बजाय ठोस ईंधन को जलाते हैं। स्पेस शटल को ठोस रॉकेट बूस्टर या SRBS कहा जाता है, बिल्कुल इसी कारण से वे बड़े अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अधिक काम करते हैं जो ठोस ईंधन को भी जलाते हैं। रॉकेट की मार्गदर्शन के लिए कंप्यूटर आधारित नेविगेशन होता है, वह रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और पेलोड जो भी रॉकेट ले जा रहा है स्पेसक्राफ्ट या उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों यहां तक कि परमाणु वारहेड्स तक। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट 2 या 3 स्वतंत्र रॉकेटों की तरह काम करते हैं जो एक साथ अटकते हैं, जिन्हें चरण कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर केवल अंतिम चरण में रॉकेट के सभी महत्वपूर्ण पेलोड शामिल होते हैं, निचले चरण बदले में टूट जाते हैं क्योंकि वे अपने ईंधन का उपयोग करते हैं और केवल ऊपरी चरण रॉकेट की अंतिम गंतव्य यानी कि जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचता है। कुछ रॉकेट स्पेस शटल और यूरोपियन एरियन रॉकेट के पूरे झुंड की तरह दिखते हैं, जिन्हें एक साथ स्ट्रेप्ड किया जाता है। बीच में एक मोटा जिसमें कुछ स्क्विनियर होते हैं बड़ा केंद्रीय रॉकेट मुख्य होता है। दोनों तरफ से पतले रॉकेट जिन्हें बूस्टर रॉकेट कहा जाता है, व्यवस्था वाले आतिशबाजी की तुलना में थोड़ा अधिक है जो कि मुख्य रॉकेट इंजन को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए उसे ऊपर की ओर उठाने के लिए बूस्ट करते हैं। दोस्तों अधिकांश रॉकेट 2 या 3 चरणों से बने होते हैं। जब एक चरण अपने सभी ईंधन का उपयोग कर लेता है तो उसे मेन रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, जो भाग पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाता है या फिर पृथ्वी पर आ गिरता है। यह तब वापस गिरता है आमतौर पर समुद्र में और आबादी वाले क्षेत्रों से दूर, या वायुमंडल में जल जाता है। ऐतिहासिक रूप से रॉकेट के अधिकांश हिस्सों को पृथ्वी पर वापस गिरने और वायुमंडल में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन 1980 के दशक में नासा के स्पेस शटल के साथ शुरू होने के बाद इंजीनियरों ने रॉकेट के पुर्जों को डिजाइन किया, जिन्हें वापस ला करके उनका वापस से उपयोग किया जा सकता है। जितना अधिक एक रॉकेट के पुर्जों का पुनः उपयोग किया जा सकता है उतना ही सस्ता रॉकेट लॉन्च हो सकता है, पैसों की बचत हो सकती है। दोस्तों रॉकेट एकदम सीधा ऊपर जाता है जबकि प्लेन ऊपर जाने के लिए अपने रनवे पर दौड़ लगाकर जाता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका भी जवाब आपको ढूंढ कर दे देते हैं। दोस्तों किसी भी विमान को ऊपर उठने के लिए धक्के की जरूरत पड़ती है। एरोप्लेन पक्षी और उड़ने वाली कीट के पंखों से जब हवा टकराती है तो इस हवा को पंखों से पीछे ठेल कर वे ऊपर उड़ते हैं। रॉकेट में पंख नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ऊपर उठने के लिए जरूरी धक्का उनके इंजन से ही मिलता है। प्लेन ज्यादा भारी होता है और उसे ऊपर उठने के लिए हवा को बहुत ही तेज गति से पीछे छोड़ना पड़ता है, इसलिए वह पहले रनवे पर कुछ दूर चलकर पंखों से हवा को ठेलने जितना बल प्राप्त करता है। रॉकेट को जमीन पर दौड़ाने और फिर आसमान में धक्का देने के बजाय उसे सीधे हवा में उठा देने का काम इंजन आसानी से कर पाता है। रॉकेट और एरोप्लेन दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, दोनों गैस को पीछे छोड़ते हैं और उससे उन्हें आगे जाने का धक्का मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गई रॉकेट के चलने और अंतरिक्ष में जाने की बात। दोस्तों आखिर सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार कब और कहां हुआ था? ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में रॉकेटों का आविष्कार हुआ है। इन ठोस रॉकेटों को आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, युद्ध में सेनाओं द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। 13वीं सदी में इन रॉकेटों का एशिया और यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में आतिशबाजी और युद्ध में इस्तेमाल होने लगा। अगले 600 सालों में लोगों ने बड़े और बेहतर रॉकेटों को विकसित किया, इनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल सेनाओं द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों ये था आज रॉकेट के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी
आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर आप जानकारी को लिखित में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रहस्य मीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।